नाजरीन मैं हूँ उस्मान कादरी आप देख रहे हैं सी पाकिस्तान न्यूज़ आज मेरे साथ समुद्री का एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो अपने मुंह से ऐसी बांसुरी की धुन बजाता है कि जो बंदे का जो है वो प्यार मोहब्बत का जो जज्बा है वो और बढ़ जाता है तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मोहम्मद अकील साहब से जो समुद्री का जो गाँव है दो सौ गाबे वहाँ के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये साज भी बजाते हैं डायलाग भी बोलते हैं नात भी करते हैं और गज़लें भी और मैंने जब इनकी सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही थी मैंने जब सुनी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस, इस नौजवान का तारफ जो है वो आप लोगों से कराऊं तो वालेकुम सलाम हाँ जी अकील साहब माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा आ, ये साज बजा के दिखाया है तो इसमें मज़ीद आप जो है इसमें कौन कौन सी डायलॉग बोल रहे हैं और साथ गज़ल और साथ साथ नात ख़ानी का भी आपने उसमें भी हिस्सा लिया मुकाबलों में तो अब मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को थोड़ा सा ए, एक ये जो आपने साज बजाया है इसका थोड़ा सा ये पस मंज़र बताएँ कि बेसिकली साज़ किस गाने का है और इसमें आप क्या कह रहे हैं बड़ा दुखी सा बड़ा ऐसे दिल को यानी कि बड़ा चार्मिंग सा गाना ये इंडिया का सॉन्ग है उदय नारायण का अब नाम मोहब्बत के इल्ज़ाम तो आया है वो गाना आपको सुनाता हूँ अब नाम मोहब्बत के इल्जाम तो आया है क्या प्यार मैं सोचा था क्या प्यार में पाया है एक प्यार के मुजरिम से उलफत भी करें तो कैसे करें तुम्हें टूट के चाह था नफरत भी करें तो कैसे करें जो पार हमें करता उसने ही डबाया है क्या प्यार में सोचा था क्या प्यार में पाया है वाह ये तो गाना सुन के जो प्यार मोहब्बत का जज्बा है वो और बढ़ जाता है आपको किसी से मोहब्बत भी हुई है या वैसे किसी की मोहब्बत में स्टार्ट किया या वैसे आपने ये बड़ा दुखी सा बड़ा रोमांटिक सा गाना जो है ये मोहब्बत में ही स्टार्ट किया और धोखा मिल गया और मैंने उसे सुपुर्द कर दिया खुश रहे जहाँ भी रहे और अपना काम मैंने शुरू रखा वेरी गुड अच्छा ये गजल जो है वो भी आप दुखी सुनाएंगे हमें या कोई आ, मतलब दुखी गजल सागर सदीकी साहब की है दुआ याद मगर हर फे दुआ याद नहीं है दुआ याद मगर हल्फे दुआ याद नहीं मेरे नगमात को अंदाजे नवायाद नहीं हमने जिनके लिए राहों में बिछाया थलहू हमने जिनके लिए राहों में बिछाया थलहू हमसे कहते हैं वही अह वफ़ायाद नहीं है दुआयाद मगर हर फे नहीं अच्छा अकील बताएं कि आपने ये इसका आगाज़ कब से किया स्कूल के ज़माने से किया या कैसे मतलब ये आगाज़ हुआ कैसे ख्याल आया कि आप साज बांसुरी बजाएं और ये डायलॉग्स बोले हैं और ये सारा कुछ डायलॉग का इसलिए ऐसे याद आया कि वो फिल्मों में जब फिल्म देखते ना किसी हीरो की शाहरुख खान के डायलॉग मुझे बहुत याद हैं उससे सीखे और जो सिंगिंग मैंने सीखी बांसुरी मुंह से बजानी ये भी फिल्मों में देख देख कर सीखी बचपन से स्कूल दौर से तो अब आपका जो फेवरेट हीरो है वो कौन है शाहरुख खान जी शाहरुख खान शाहरुख इसके अलावा शाहरुख खान के अलावा भी कोई आपके मतलब डा, डा, डायलॉग बोलने आते हैं या सिर्फ शाहरुख खान ही बोलते हैं अमरेश पुरी का डायलॉग और शाहरुख खान का कोयला फिल्म में जो बोलते हैं ना दोनों पहले शाहरुख का सुनाता फिर पुरी का तुम्हारी तलाश हूं मैं ब्रिजवा की मौत का जिम्मेदार हूं मैं ये लाश भी मैंने भेजी है ये शख्स कानून की नजर में आज से बीस साल पहले मर चुका है तुम सोच रहे होगे किसकी आवाज है ये ये आवाज तुम्हारी मौत की आवाज है और अब ये आवाज तुम्हें जीने नहीं देगी हर पल हर घड़ी हर लम्हा ये तुम्हें और तुम्हारे साथियों को एक एक करके मार डालेगी ये तो शाहरुख का हो गया ना इसके बाद अमरेशपुरी का भी आता है जी वो मिक्स डायलॉग है आखिरी सीन में अरे शंकर हमरा तुमको पाला हूं रे खुद को मौत से बचाने के लिए अरे हमरा तुमको इतने से इतना किया हूं लोगों के सामने सच मनवाने के लिए अरे ना शंकर ना चारों तरफ कोयला है अरे सब जल जाएगा ये कहानी तुमने शुरू की थी और ये जलता हुआ कोयला तुम्हें जलाकर इस कहानी को खत्म करेगा अब आपकी वीडियो एक वायरल हो रही है बहुत जबरदस्त ये ये जो बांसुरी की है तो ये बेसिकली आपने आ, आ, कोई उस्ताद आपका था जो जिसने ट्रेनिंग दी है या फिर आ, आगे जो अब इस टैलेंट को आगे बढ़ाएंगे तो उसके लिए कोई अपने रास्ता चुना है कि किस तरीके से आप इस टैलेंट को आगे बढ़ाएंगे मेरा कोई उस्ताद नहीं था लेकिन मैंने ना अपना अपनी कोशिश से सब कुछ सीख लिया और अगर आगे कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए अच्छा अगर आपको आ, किसी टीवी प्रोग्राम में या ड्रामो में ऑफर हो तो फिर क्या होगा आप खुशी से कबूल करूंगा और अल्लाह ताला मेरा साथ दे तरक्की दे मुझे तो इसी काम में मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपने जिले फैसलाबाद के लिए काम करना चाहता हूँ अपनी तहसील का नाम नहीं तहसील समुंदरी के लिए तो अभी ये बताएं कि आप कोई काम कर रहे हैं या आपको कोई मज़ीद ये जो अपना रोजगार का सिस्टम है वो कैसे चला रहे हैं फिलहाल तो प्राइवेट काम कर रहा हूँ रंग का वेदर शीट का वो काम मैंने सीखा है उसमें कारीगर वही काम करता हूँ और वक्त में ये इसकी करता हूँ सिंगिंग की अच्छा आपने डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में नाथ खानी की जो मुकाबला जात थे उनमें भी हिस्सा लिया और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप किया तो इस हवाले से हमारे नाजर को बताएँ कि वो नात खानी आपने कब से स्टार्ट की और एक नाथ का बोल भी एक दो हमें सुनाए वो तकरीबन तीसरी जमात में मैंने शुरू की थी मेरे टीचर हैं रफीक साहब दो सौ गाबे के ये उनकी मेहरबानी है और आपको मैं ना सुनाता हूँ फैसला बाद में तकरीबन बीस लड़कों से आया था जब मदीने की बात होती है रक्स में नात होती है जब मदीने की बात होती है हुसन होता नहीं हसी नो में हुसन होता नहीं हसी नो में सुन होता नहीं हसीनों में उनके रुख की जकात हो जब मदीने की बात होती है माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है और बड़ा इसमें सोज है आ, अकील साहब की आवाज़ में तो अकील साहब ये सोज भी और ये सारा कुछ ये आपने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ अब सोशल मीडिया के ऊपर जी

ये तो बहुत ज्यादा डॉनि लग रही है ये तो ये दूसरा रुख नजर आ रहा है और और इसके अलावा कोई इसके अलावा भी है ये तो मुझे भी है ये डर लग रहा फनी इस फनी इसमें बना रहे हैं तो ये जो एक दूसरे को वो क्लिप भेजते होते हैं कि वो जैसे देखे वो फौरन डर जाए तो ये इस तरीके का क्लिप है जी जी ये फनी इसके अलावा भी कोई जिसमें लोग हंसे हैं ज्यादा कोई और और भी आती है सिर्फ यही बना रहे हैं जी जी वो अंडरटेकर वाला चेहरा बना कर दिखाता हूँ जब वो अपनी कैब उतारता है ना मैदान में आता है वैसे जी नाजरीन आपने अकील साहब की बातें सुनी हैं उसकी नात भी सुनी है उसके डायलॉग्स भी सुने हैं उसके जो उसकी म्यूज़िक वो भी सुना है तो आ, मैं समझता हूँ कि इस नौजवान में बहुत अच्छा टैलेंट है और यहाँ पे समुंदरी का नाम जो है और अपने ज़िला फैसलाबाद और पंजाब का नाम जो है रोशन करेगा ये नौजवान जो है रोशन करेगा और इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम इनकी हौसला अफज़ाई करें और इनकी जो वीडियोज़ हैं उसको थोड़ा सा वायरल करें और उनको शेयर करें ताकि इस नौजवान को मजीद मौक़े मिल सकें ताकि ये जो इसकी आवाज़ का जादू है वो पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में चल सके